हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं चल रहा हूँ घास के लिए। आज कुछ नया टॉपिक होने वाला है वीडियो में। मैडमे के बारे में बात बताएंगे दोस्तों। आज मैडम ने कैसे क्या कहा, फिर से वो आया था, उसका वो पति हमसे बोला था, मेरा नहीं, मेरा कफिल है, कफिल की वाइफ ने हमसे कल झगड़ा किया था। तो आज मैं उसकी बात बताऊँगा दोस्तों। मैं चलता रहूँगा मजरे में, घास भी लोड करूँगा, आप वहाँ का व्यू भी दिखाऊँगा, वहाँ का लोकेशन भी दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा दोस्तों। तो वीडियो बनेगी लास्ट तक दोस्तों। यार झाड़ रहे, कोई इसमें कुछ कचरा तगड़ा फेंक दिया, गंध दे रहा है दोस्तों इसमें। ये जो है ना दोस्तों, इसमें लोग हमेशा आते जाते हैं, फेंक देते हैं। रात को जब हवा चलती है ना, तो रूम के बाहर है मेरा ये बल दिया कचरा, तो इसमें थोड़ा जाता है तो हवा चलता है, गंध जाती है। तो थोड़ा इसमें आज बताएँगे सऊदी को कि इसमें कोई भी ना डाला करे, इसको अंदर रखें। अब आज से मैं इसको अंदर रख दूँगा, क्योंकि इसमें जो डालते हैं बलदिया यानी कचड़ा, झाग देता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए फिर चलते हैं लोकेशन पे। ये गाड़ी खड़ी है मेरी, मैं चल रहा हूँ लोकेशन पे। अभी चलेंगे खाद मतलब कि घास भी लोड कराएंगे, और दोस्त से मिलेंगे, दोस्त इंतजार कर रहा है अभी, चलेंगे उससे मुलाकात करेंगे, फिर चलेंगे साथ में, चलेंगे वहीं मजे में चलेंगे आज, देखते हैं है कि नहीं है। कल मैंने बंगाली भाई पर फोन लगाया था, बोला था कि है घास, आ जाओ। तो ठीक है, चलते हैं आइए। पीछे गाड़ी दिख रही दोस्तों, मेरा दोस्त है, देख सकते हैं ये पीछे पीछे आ रहा है, यही है। ये बहुत जल्दबाजी काम करता है, कुछ भी करता है ना, जल्दबाजी काम करता है, देख सकते हैं पीछे 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 आ रहा है, अभी आएगा, आ रहा है ये। गाड़ी में लोड किया दोस्तों, अभी अब चलेंगे आगे। अरे मेरे दोस्त की गाड़ी है, ये भी लोड कर रहा है, चलेंगे थोड़ी देर बाद, ख़त्म हो जाएगा बस। उधर भाई मछली भाई लोड कर रहे हैं, और मेरा दोस्त है लोड कर रहा है। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, करीब एक घंटे लगेगा लोड करने में। इसको लोड करेंगे तो गाड़ी निकालेंगे दोस्तों। वजह है कि थोड़ा सा इसमें तांत है, तांत नहीं चाहिए भाई को, हमको तांत से लोड करते हैं, क्योंकि हमें दूसरे यहाँ गिराना पड़ता है सऊदी के दोस्त के पास, अभी कहीं नहीं। तो देख सकते हैं ये भी लोड करेंगे तो निकलेंगे, अलग लोकेशन लगाएंगे आपको। पंखा चलता है दोस्तों, आवाज़ कर रहा है, ये हवा निकालता है, हवा हवा निकालता है, इसके जो इतने गर्मी है ये यहाँ से हवा निकालती है, गर्मी निकालता है। अगर भाई इस काम में अगर आना हो बताओ, ये मजरे का काम है, इसमें 8 घंटा ड्यूटी है, अगर हो बताइएगा, ठीक है। देखो लगे हैं आदमी, छुपा हूँ भाग घास लोड करके जा रहा हूँ। ये हमारा सड़क का नज़ारा है, ये काफ़ी बारिश हो रही है आज, बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम यहाँ बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर देखो हमें मौसम जब साफ रहता है तो अच्छा लगता है, यहाँ बदली रहती है, बारिश होती है बहुत बेकार लगता है। अगर यहाँ अगर मौसम है, जैसे कि अपने यहाँ मौसम बारिश का है तो अच्छा है, घाम जैसे यहाँ सऊदी में अगर बारिश का मौसम है तो सऊदी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये मौसम जैसा है, ये मौसम ये बारिश के लिए मतलब कि ये सऊदी के लिए बहुत अच्छा है, और जो यहाँ काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत घाटे का यानी मतलब बहुत बेकार लगता है दोस्तों। इसी वजह कहते हैं ना, सऊदी में जो रहे सही रहे, साफ रहे तो सही रहता है। तो और क्या बताएं आप लोग, एक और बातें हैं सऊदी की, मगर शेयर नहीं करना चाहते हैं, शेयर करेंगे तो थोड़ा सा जो भाई सऊदी में नाराज़ हो जाएंगे, तो वो बातें मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वजह है ना, तो क्यों लोगों को ठोस पहुँचे। तो इस साइड मजरा भी है, मजरा उखड़ चुका है काफ़ी। तो आइए चलते हैं रूम पे, रूम पे बातें शेयर करेंगे, सऊदी ने क्या कहा था, नहीं मतलब कि उसकी औरत ने क्या ला के दिया, हमें गिफ्ट भी ला दिया, मतलब कि खाने का भी सामान दिया है,
आपको दिखाएंगे क्या लाया है, ओपन कर दिखाएंगे। तो चलते हैं रूम में, अभी तो बहरहाल गाड़ी चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने इस तरह पे, ये देख सकते हैं हमारे इस तरह का लोकेशन है। मैं आया था, गेट खुला था और क्या कहते हैं ये इधर भी खुला था, तो मैंने बंद किया गाड़ी, अपने यहाँ से ले गया अंदर से, अंदर इस तरह घुसाया। तो दोस्तों मैडम ने क्या दिया है आपको दिखाएंगे। मैडम ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। गिफ्ट क्या, खाने के लिए दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि उस दिन मतलब कल वाली वीडियो में देखा था, नाराज़ हुई थी, मगर आज कैसे क्या हुआ। तो मैडम ने खुद फ़ोन करके बोला, सुबह मैं जब घास लेके आया तो बोली कि जाके मोहम्मद तुम्हारा रखा है सामान ले लेना खाने के लिए, मैं भेज रखी हूँ। तो आइए दोस्तों क्या रखा है दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा सामान है खाने के लिए, देखें कैसा है क्या नहीं। वो बोली बहुत अच्छा सामान है, देखेंगे भी कैसा क्या है। आइए चलते हैं इस तरह के रूम में, क्या रखा है दिखाते हैं। मैं चलूँगा अंदर, गेट खुला है अभी गेट मैंने खुला, गेट खुला था, आया देखा मैंने तो गेट वो बंद किया, गेट वो जो सामने था वो गेट और ये गेट मैं बंद किया, तो देखा ये गेट खुला था। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या रखी है। तो ये देखो धुआं धोने का ये कसाला बोलते हैं इसे, तो दोस्तों यही रखा है मैडम, देख सकते हैं ये है, ये गोश्त, ये बकरे का गोश्त दिया, देख सकते दोस्तों। बहरहाल मैं इतना खाऊँगा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। तो देख सकते हैं ये करीब हो गई 4 किलो गोश्त हो गई ये, और 3 किलो ये मुर्गी है, मुर्गी बोलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये मुर्गी और ये गोश्त। तो दोस्तों ने कहते नहीं हैं जब सऊदी प्यार करने लगे तो समझ लीजिए कि दिन लौट आया आपका। तो दोस्तों हमें बहुत खुशी हुई, मैडम ने हमें बहुत कुछ दिया खाने के लिए, देख सकते हैं ये, मैं उसका लाख लाख धन्यवाद करूँगा। तो दोस्तों आज मैं इतना खुश दोस्तों कि हद से ज़्यादा खाने के लिए ऐसा चीज़ दिया। तो बोला कुछ और चाहिए, तो हमने कहा नहीं चाहिए, वो फ़ोन पर बोली कि तुम्हारा सामान रखा ले लेना, अगर और कुछ चाहिए तो मिल जाएगी। तो बोले थे शाम को आएगी इधर, तो मतलब कि सामान मतलब कि काम धंधा थोड़ा है करने के लिए बताया है, तो उधर काम करने के लिए। तो बोली तुम्हें ठंडा और क्या कहते हैं बिस्किट लाएगी शाम को, तो वो ठंडा रात वाली वीडियो सुबह आएगी, क्योंकि मैं सुबह वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आप लोग शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये हमें बहुत बहुत उनका धन्यवाद जो हमको दिया हमारी मैडम ने ये खाने के लिए। तो भले ले चलेंगे इसको उधर अपने रूम में, बहुत वजन है दोस्तों, ले जाने बहुत दिक्कत होती है, तो एक हाथ से उठेगा नहीं, तो एक हाथ से बहुत वजन है दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं चल रहा हूँ, ये ले चलेंगे वहाँ, काफ़ी भारी है ये, गेट खोल नहीं पाएंगे दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे ओपन करेंगे। तो दोस्तों मैं अभी फ्रिज में रख चुका हूँ अपने, ये देखो मैं आग भी रख दिया, ये गोश्त में रखा हूँ, और ये रोटी रखा हूँ खाने के लिए, और इसमें गहवा है, ये बर्फ है, और नीचे आपको दिखाएंगे ये बर्फ रहता है, इसमें खाना रहता है, ये क्या है घी है, यहाँ बोलते हैं घी। तो मैं भी रख दिया हूँ, रात को पकाऊँगा, थोड़ा थोड़ा खाऊँगा दोस्तों। और इसमें थोड़ा सा खजूर है, और ये रखा हूँ खाने के लिए, थोड़ा सा पानी पीने के लिए, इधर ये दूध पीता हूँ सुबह, ये वाला ये खाते हैं पास्ते मिलाकर, सही रहता है। तो ये मैं जीरा भी रखा हूँ खाने के लिए, काफ़ी सामान है दोस्तों। दोस्तों मैडम हो तो ऐसी हो ताकि एक बार में सबको आदमी खुश कर दें, ताकि ऐसा सा सामान दें। तो दोस्तों फाइनली हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा वो जो है घास वो उतारेंगे। तो बहरहाल भी थोड़ा सा खाना पीना खा के रेडी हो गए। तो वीडियो में देखा आपने दोस्तों मैडम ने क्या क्या हमें दिया, आज रात को पकाएंगे हम दोनों खाएँगे। बहुत 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 धन्यवाद मैडम का। तो दोस्तों ये दोस्त मेरे बताएगा कितना कैसा सामान दिया, ये भी साथ में था मैडम, हम लोग की बहुत अच्छी है, हम लोग को बहुत सारा गोश्त दी है। तो कल गुस्सा थी मैडम, मगर कल जो है नाराज़ थी मैडम, मगर कोई जो है वजह नहीं था, मगर फिर भी आज हम लोग को जो है गोश्त दिया करीब, ऐसा नहीं है कि जो नहीं मानती, बहुत मानती है, मगर कभी कभी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो थोड़ा हो जाता है कभी कभी, हर मतलब इंसान से जो है गलती हो जाता है। ये कल जो है गुस्सा थी, मगर आज हम लोग को जो बहुत सारा गोश्त दी है, आज जो है बनाना भी है। तो दोस्तों थोड़ा सा हवा आ रहा है, तो आप लोग हवा पर ध्यान में दीजिएगा, बातों को सुनिएगा, क्योंकि माफ़ कीजिएगा क्योंकि हमारे पास एयरफोन नहीं है। आप लोग की कृपा रहेगी तो एक दिन ज़रूर एयरफोन ले लेंगे। तो आइए दिखाते हैं, वो उधर लगे हैं, पहुँचा है ऊँट सामने, तो निकालेंगे उधर भाई है, निकालेगा, उसके बाद हम देखते हैं कैसे कितना टाइम लगता है निकालने में। तो ये देख सकते हैं ये लगे हुई हैं खाने के लिए, ये आधी थी खुद उतार देती हैं खा करके, हमें हाथ नहीं आना पड़ता, क्योंकि ये आधा खाएंगे तो गिराएंगे नीचे, तो नीचे आराम से उतर जाएगा, तो
उतारो यार भाई, थोड़ा सा उतारो थोड़ा। तो भाई देखो उतारने चल रहे हैं, हम भी उतारेंगे थोड़ी देर बाद में। तो भाई इसमें थोड़ा सा काम करेंगे। सोका से उतार के यार, वैसे उतार के यार, उससे सही रहेगा। हाथ से निकालिए सही रहेगा, हाथ से निकालो सही रहेगा। तो मैं सारा जो जब वहाँ मजल गया तो मेरा दोस्त बंगाली भाई पूरा लोड करके, आप देख सकते हो दोस्तों इसमें टमाटर में कितना सारा है, बहुत सारा है देख सकते हैं। इंडिया में टमाटर ऐसा रहता है तो पेड़ उखाड़ते नहीं इसको। ये यहाँ पे जो है सऊदी में आप जो है देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े जो है टमाटर है, काफ़ी। ये टमाटर ऐसा होता था अपने यहाँ काफ़ी आदमी रखे रहता, बिल्कुल बेकार ना करता ये। अभी तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरा पूरा पेड़ उखा रहे हैं, जो है खाता है ये, खा लेते हैं सब ये। आप जो है देख सकते हैं, देखिए इधर आप जो है देख सकते हैं, देख सकते हैं कितना जबड़ा दे पाएगा। देखो 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 कितना देखो। आप जो है देख सकते हैं दोस्तों, ये लोग जो है काटते नहीं। इंडिया में हमारे लोग जो है बहुत जो है डरते हैं, मगर ऊँट जो है बहुत अच्छे लोग होते हैं दोस्तों। वीडियो यहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में कैसा लगा आपको? आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ हमारी लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, यानी कि थोड़ा सा गलती नहीं किया माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्यारा प्यारा कराइए भाई के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, हर एक वीडियो आपको देखने मिल जाए। और क्या कहते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से होता है आप लोग पता चलता है सऊदी अरेबिया में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या कहाँ होता है, मजरब कैसे काम होता है, इस्तेमाल कैसे काम होता है, पूरा टोटल जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।